नमस्कार। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ आदतों का निर्माण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में एक महत्वपूर्ण आदत है पोषण की आदत। विद्यार्थियों के लिए पोषण का विशेष महत्व रहता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक बीमारियां हमारे ऊपर आक्रमण करती ही रहेंगी। तो आइए जानते हैं कैसे पोषण अभियान का हिस्सा बनकर हम अपने आप को और ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ी हुई ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं पोषण का महत्व और कैसे विद्यार्थियों के लिए पोषण प्रोवाइड किया जा सकता है। पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है और अच्छा पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य जीवन के आवश्यक नियम हैं जिन्हें हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके साथ ही यदि विद्यार्थी पौष्टिक आहार और सही डाइट का पालन करते हैं तो इससे उनके शरीर व मानसिक तंदुरुस्ती उन्हें मिलेगी और उन्हें शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक सभी गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने में भी इससे बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिलेगी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए संतुलित आहार देना उन्हें बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा आहार जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हों। इस चित्र में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वो पदार्थ बनाए गए हैं जिनका हमें कम सेवन करना है, उसके साथ साथ जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे पदार्थ हैं जिनका सेवन हमारे भोजन में, संतुलित आहार में ज़्यादा होना चाहिए। इस नियम का पालन हमें आहार की दृष्टि से ज़रूर करना चाहिए और बच्चों को आहार में गेहूँ, चावल, अंकुरित दालें, दूध, दही, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और सलाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसे बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी और उनका पोषण भी उचित व पर्याप्त मात्रा में हो पाएगा। भरपूर मात्रा में जल का सेवन करना एक बहुत बेहतरीन आदत है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि हमारे शरीर का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पानी से ही बना हुआ है। बच्चों को जंक फूड व कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक से दूर रहने की आदत डालनी चाहिए ताकि उनका जो पोषण है वो सही मात्रा में सुनिश्चित किया जा सके। जंक फूड और ये जो ड्रिंक्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए पोषण में अगली कड़ी है कि संतुलित आहार के साथ साथ नियमित रूप से व्यायाम करना व पर्याप्त नींद लेना। यदि हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो हमारा शरीर की आराम की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों की जो इम्यून सिस्टम है, जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं कोरोना महामारी में हमें अपने प्रतिरोध तंत्र को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप विटामिन सी की आपको आवश्यकता रहती है और विटामिन सी आपको कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अतः आप अपने आहार में खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, आंवला, कीवी, नींबू व अमरूद इत्यादि ज़रूर लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जानकारी को आप ज़रूर आगे भी अन्य बच्चों के साथ भी ज़रूर साझा करें। हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और विटामिन डी का सबसे अच्छा व प्राकृतिक स्रोत यदि कोई है तो वह है सूर्य की रोशनी। आहार में यदि बात करें तो डी विटामिन प्राप्त करने के लिए दूध, मशरूम, टोफू, अंडा व मांस को हम शामिल कर सकते हैं ताकि इसकी आपूर्ति की जा सके। इसके साथ ही पोषक तत्वों की सूची में कैल्शियम सबसे ऊपर आता है। यह हड्डियों और स्वस्थ दांतों के निर्माण में बहुत सहायक है। और फिर से बताना चाहूँगा कि दूध, दही, पनीर, टोफू जो है वो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में सही मात्रा में पहुंच सके, उसकी आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे, इसके लिए रेड ब्लड सेल्स जो है यानी लाल रक्त कोशिकाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो इनको विकसित करने में आयरन बहुत ही काम की चीज़ है। और यदि आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया जैसे भयंकर रोग जो है वो बच्चों को लग सकते हैं और अन्य भी कई प्रकार की समस्याएँ स्वास्थ्य संबंधी उन्हें हो सकती हैं।
इसलिए आयरन युक्त आहार जैसे साबुत अनाज, बीन्स, अनार, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना अत्यावश्यक हो जाता है ताकि आयरन की कमी न होने दी जाए। फाइबर युक्त आहार का सेवन हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। अगर बच्चों की बात करें तो सीमित मात्रा में उनके लिए भी फाइबर बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। बच्चों को फाइबर फल तथा सब्जियों और सलाद खाने से प्राप्त होता है। फल और सब्जियों को अपने भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाने की आदत डालें। कोशिश करें कि अनेक रंगों और कई प्रकार की सब्जियों को खाएं ताकि पोषण की जो कमी है वो फाइबर के माध्यम से ना होने पाए। विद्यार्थियों के लिए पोषण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो कई प्रकार की बीमारियों से खुद को सुरक्षित रख सकें अपने प्रतिरोध तंत्र को मजबूत करके। अतः आज का जो होम टेकिंग मैसेज है वो ये है कि पोषण को अपनाओ और बीमारियों को दूर भगाओ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप अपने आहार में क्या कुछ लेते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें और आज से किन किन बच्चों ने जो है वो अपना आहार को संतुलित करने का प्रण किया है वो भी ज़रूर बताएं और साथ ही आपके आहार में क्या क्या खाद्य पदार्थ आप शामिल करते हैं उसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।